2019 मेरा पहला जो मैं देखने देखने गया था था का का एंड इंडिया सेकंड उस टाइम पे बिल्कुल भी इतना की नहीं करती थी Normally, सब लोग देखने खाली मॉडल को और ज्यादा से ज्यादा बोलो तो सोल को और uh, कोई किसी को नहीं जानता था मोस्टली मेजोरिटी थी फिनेटिक थी गॉड लाइक -like थी आ, आपकी आई डी थी एंड जो जीती थी वो थी एन गेमिंग तो ये फाइनल डे पे मैं गया था वहां पे एंड आज आप लोग को उसकी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कि कैसा था वहां का हमारा एक्सपीरियंस मैं अपने दोस्त हार्दिक के साथ गया था एंड आज आपको बताऊंगा बिकॉज ये अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मतलब यूट्यूब पे दैट कैसा एक्सपीरियंस था और क्या हुआ था एंड मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी और वो अभी भी है मेरे पास तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा एंड लेट्स गेट इन टू द वीडियो ओके okay, स्टार्ट so करते हैं पहला लैंड इवेंट होने वाला था आ, हमारा दिल्ली के अंदर एंड पबजी मोबाइल का तो पता लगा था बुक मैशो टिकट्स मिल रही हैं तो दो टाइप की टिकट्स थी एक सिक्स थाउजेंड रुपीज की जो कि वीआईपी टिकट थी आपको साइन ऑटोग्राफ्स मिलेंगे प्लेयर्स के टी शर्ट मिलेगी आप उनके मतलब इट्स लाइक जैसा अरीना था आप लोग का फोटोज फोटोजीडियोज में दिखाऊंगा एंड एक जैसे अरीना था उसके अंदर सोफाज लगे हुए थे तो वहां पे आप बैठ सकते थे तो एकदम प्राइम एक्सपीरियंस था और दूसरी थी एकदम फ्री जिसमें ऑलमोस्ट सारे लोग थे बैठे हुए वहां पे एंड स्टेडियम uh, का नाम था के डी जादव स्टेडियम एंड वहां पे और भी बड़े सारे स्पोर्ट्स होते हैं तो हम लोग पहुंचे पहले वहां पे एंड फ्री टिकट थी तो मतलब ऐसा बड़ा चेंज था क्योंकि बहुत सारे लोग थे और तब कोविड नहीं था बिल्कुल भी नो मास्क लाइन लगी हुई है लंबी लंबी एंड uh, काफी जबरदस्त एक्सपीरियंस था जब आप वहां घुसे बिकॉज एक गेम के लिए इतना बड़ा टूर्नामेंट पुलिस आई हुई है पूरा मैनेजमेंट है लंबी लंबी लाइन लगी हुई है नहीं मैं तब की बात कर रहा हूँ जब पबजी मोबाइल बेसिक था मतलब आप लोग जो देख रहे हो गए काफी उन्हें स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट भी नहीं किया होगा अभी एंड uh, जो लोग को नहीं पता जो लोग गेमिंग से कनेक्टेड नहीं है मैं बता देता हूँ दैट पी एम सीओ मीन्स पबजी मोबाइल क्लब ओपन जो कि पबजी मोबाइल का एक पहला दूसरा टूर्नामेंट था पी एम आई एस के बाद एंड uh, शायद दूसरा लैंड था इंडिया का या पहला भी हो सकता है स्प्रिंग स्लेट था और काफी जबरदस्त था एंड सॉरी स्प्रिंग स्प्लिट नहीं था फॉल स्प्लिट था एक्चुअली एंड uh, काफी जबरदस्त था तो हम लोग वहां पहुंचे पहले के डी दादा स्टेडियम एंड हम लोग ने टिकट ली तो एक दिक्कत हो गई थी वहां पे जो टिकट मैं बुक मैशो से क्यू कोड दिखा रहा था वो क्यू कोड क... वही नहीं हो रहा था मतलब प्रोसेस नहीं हो रहा था उसमें दिखा रहा था कि मेरी टिकट मतलब वो कैसे स्कैनर था स्कैनर में टिकट ही नहीं हो रही थी तो मैं पैनिक हो गया था खूब तो मैंने अपने दोस्त के उस पर व्हाट्सएप की थी मेल की थी एंड मेल करने के बाद वहां से किया तो हो गया एंट्री मिल गई एंड uh, उसके बाद दो फ्लोर्स की होती uh, स्टेयर थी तो हम लोग चढ़ के ऊपर गए दो फ्लोर्स तक एंड जैसे हम लोग ऐसे गेट खुला एंड हम लोग एंटर किए uh, उस अरिना के अंदर के डी स्टेडियम के तो ऐसा माहौल था ना जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था इतना मेगा इवेंट फॉर अ गेम और इतना क्रेजी लैंड इवेंट एक्सपीरियंस इतने सारे लोग शेयर कर रहे हैं एंड मैं भूल नहीं सकता दैट पहली बार जब

एंड मतलब था फेमस था एक्चुअली बट इतना नहीं था वर्ल्ड लाइक आई थी का बहुत ज्यादा बेस था उस टाइम पे तो काफी अलग अलग एक्सपीरियंस था सारे प्लेयर्स अलग अलग टीम्स में थे के कास्टिंग एंड काफी मजा आया उसके बाद मैचेस स्टार्ट होते हैं तो पहला मैच स्टार्ट होता है एंड जब प्ले प्लेन जो चल रहा होता है अपने पाथ प्लेन पाथ जो चल रहा होता है खाली और खाली जब तक सोल ड्रॉप मतलब जब तक वो प्लेन पाथ खत्म होता है ना खाली सोल 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 हो रहा होता है एंड उस टाइम पे मैं बताऊँ तो सोल की डोमिनेंस थी बहुत क्रेजी एंड सोल के उस टाइम पे टीम थी सोल वाइपर मॉडल क्लचगर्ड एंड रेगल्टॉस uh, उसके बाद जब सोल का आपने एक आपको याद होगा दैट uh, मॉडल ने एक सैनो के अंदर

एंड क्लच मोमेंट उस टाइम पे आप अगर वहां होते ना तो इतनी जोर से शोर मचाता बिकॉज सब लोग मॉडल के लाए होते तो इतनी जोर से शोर मचाता दैट तो पूरे कान फट गए थे एंड इतना इंटेंसली शोर इतना इंटेंस सपोर्ट था ना लोगों का कि बहुत जबरदस्त तरीके से जो है सपोर्ट मिल रहा था सोल को एंड सोल सेकंड आई थी तो थोड़ा सा बुरा लगा था सब लोग को बिकॉज एन लास्ट में जी ना आपने देखा हुआ क्लच गॉड आल्सो क्राइड सो ऐसा कुछ सीन था उस टाइम पे एंड uh, उसके बाद हम लोग ऐसे ग्राउंड सा लगा रहे होते हैं के डी जादव स्टेडियम के उधर अरीना का एंड देख रहे होते हैं बाकी टीम्स को भी तब मैं काफी ज्यादा फैसिनेट हुआ था स्पोर्ट्स से काफी ज्यादा फैसिनेट हुआ था uh, इस इवेंट से तो मैं जाके ना पीछे से प्री प्रोडक्शन जो होती है आप लोग को स्क्रीन पर नहीं दिखती होगी जो सारी स्ट्रीम्स और सारा वो सब सा मैनेज करते हैं ना वो प्री प्रोडक्शन में था एंड आप लोग उसकी एक वीडियो देख सकते हो अभी तो वो जो था ना प्री प्रोडक्शन में वो देख के मैं इतना फैसिनेट हुआ था कि गॉड oh एंड इतने मैंने मेजर पीसीज देखे थे तीन तीन मॉनिटर के सेटअप से चार चार मॉनिटर के सेटअप से सारे जो सेटअप से वो स्ट्रीम हो रहे थे इंग्लिश में हिंदी में एंड उस टाइम पे और कोई लैंग्वेज में स्ट्रीम नहीं होता था और बहुत क्रेजी होता था एक एक दो डेस्क थी इस साइड पे इंग्लिश डेस्क थी और इस साइड पे ऐसे हिंदी डेस्क थी तो हिंदी वाली डेस्क आपको स्टेडियम में भी सुन सकते थे आप एंड वही कास्ट होती थी और इंग्लिश वाली खाली कास्ट होती थी तो ऐसा कुछ सीन था उस टाइम पे पेटीन भी कोई नहीं था vlogger, आप ने देखे के उस टाइम के बाद ही ज्यादा हाइप बनी है, है के गेमिंग की। तो ऐसा कुछ सीन था एंड प्री प्रोडक्शन के टाइम पे ना मैं आप लोग को एक स्टोरी बताता हूँ मेकअप रूम से बाहर की तरफ आ रहे थे एंड दिस वॉज द प्री प्रोडक्शन यहाँ से गेट था एंट्री का तो यहाँ से जब वो एंट्री कर रहे थे फर्स, फर्स तो हम लोग वी विल जस्ट ट्वेल्व टू फिफ्टीन फीट अवे फ्रॉम हम बिकॉज हम लोग शायद फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर तो आ गए थे तब तक एंड uh, इतना क्रेजी था बिकॉज वी शॉटेड लाइक नमन 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 मॉडल हमने नहीं चला हमने नमन शॉट किया एंड ही जस्ट हर्ड एंड जस्ट लुक लाइक दैट एंड वेंट अवे ही डेंट वेव टू अस बट दैट वॉज अ क्रेजी फैन मोमेंट फॉर अस वी वील लाइक फिफ्टीन फीट अवे फ्राम हिम एंड उसके बाद ही ज़्यादा जो है पता लगा मॉडल के बारे में स्पोर्ट्स के बारे में वो सब बाद में पता लगा उतना नहीं पता था मेरे को था उस टाइम पे एंड ही जस्ट लुक लाइक दिस एंड वेंट मतलब जस्ट टू सेकेंड्स लुक लाइक दिस एंड जस्ट वेंट तो बहुत क्रेजी वो भी एक एक्सपीरियंस था एंड uh, मजा आया काफ़ी ज्यादा देखने में तो पहला मैच खत्म होता है आई डोंट रिमेंबर दैट गेम बट आई डोंट डोंबर एक्चुअली कि कौन कौन जीता बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारी टीम्स थी तो उन लोग के नाम भी नहीं पता थे हम लोग को बट पहला मैच खत्म होता है ना हम लोग जाते हैं वहाँ पे एक फूड काउंट फूड सेंटर टाइप का बनाया हुआ था जहाँ पे बहुत सारा खाना मिल रहा है ओ मई गॉड मैं भूल नहीं सकता हूँ कोविड के टाइम में तो ऐसा हो ही नहीं सकता पॉसिबल लेकिन उस टाइम पे नहीं था लाइक like, एक अगर स्टॉल है तो उसके चारों तरफ लोग खड़े हैं एंड सब लोग धक्के मार रहे हैं मुक्का हो रही सब कुछ हो रहा है बसर पूरी खाने के के लिए बिकॉज सबको भूख लग रही थी इतना लंबा इवेंट था अराउंड आसपास और शाम तक चला था सात साढ़े सात आठ बजे तक और uh, सारे टूट पड़े खाने के ऊपर एंड जैसे ही कॉल आता ना दैट सेकेंड मैच इज गोइंग टू स्टार्ट यू सब गायब और सब सारे के सारे वापस स्टेडियम के अंदर मैच देख रहे एंड uh, खाना अलाउड नहीं था उसके अंदर स्टेडियम में तो आप लोग को बाहर ही खाना था तो सब खाना वाना छोड़ के सब चलेगा हम लोग खाना फिनिश करके आए तब तक सेकंड गेम स्टार्ट हुआ एंड इतना क्रेजी था ना बिकॉज because... क्रेज उस टाइम पे भी उतना इसी लेवल का था लेकिन लोग कम थे उस टाइम पे आज इतनी वाचिंग शायद आ रही है one, के पता नहीं कितनी वाचिंग आ रही है, मैं भी फॉलो नहीं कर रहा बट उस टाइम पे कम फॉलोइंग थी बट लोग ऐसे ही टूट पड़ते थे और इतना तो मेरे को लगता है कितने सारे स्पोर्ट्स प्लेयर बन गए होंगे ऑलरेडी इसमें से एंड मैंने भी खुद स्पोर्ट्स खेला कितने टाइम इसके बाद ही मेरे को पता नहीं था कैसे कम्पीट करना क्या करना है एंड ये इवेंट खत्म होने घर गया फिर रिसर्च हुई सब कुछ हुआ टीम बनी फिर सीधा से स्टार्ट किया एंड फिर एफ टू डी बनी पहले घोष बनी फिर एफ टू डी बनी बहुत कुछ हुआ उसके अलग स्टोरी बनाएंगे तो ये सब हुआ एंड हम लोग ने गेम्स से तो शायद थ्री गेम तक रुके थे थर्ड गेम सैनोक था तो जो मॉडल का क्लच था वो देख के हम लोग निकल गए थे तो वो इतना जोर से क्लच था ना दैट उसके बाद मेरे को पता लग गया था दैट दिस थिंग इज गोइंग तो टू बी बिग एंड उसके बाद तो फिर ग्रोथ ही हुई है काफी जबरदस्त तरीके से ई स्पोर्ट्स की एंड इंडिया में स्पेशली पबजी मोबाइल की फिर वैलोरेंट आ गया अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं है स्पोर्ट्स के लिए भी एंड uh, लेकिन उस टाइम पे इतना किसी को नहीं पता था बट पबजी uh, मोबाइल में स्पेशली आपको जो है क्या कहते हैं PC कम्युनिटी में तो होता था लैंड इवेंट लेकिन ऐसा लैंड इवेंट इतना महंगा, इसके लिए इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे तो, इतना महंग सब कुछ हुआ था ये शायद मैंने तो पहली बार देखा था बिकॉज में इससे पहले गेमिंग फॉलो नहीं करता था करता भी था तो स्पोर्ट्स e नहीं देखता था बिल्कुल भी एंड uh, इसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई काफ़ी सारे प्लेयर्स की काफ़ी सारे लोगों की और कहा uh, जो सुपर हैं इंक्लूडिंग स्नैक्स बहुत सारे लोग न्यू कम्युनिटी थी तो इतने सारे लोग नहीं थे एंड काफी लोग को अभी कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे बिकॉज जिन्होंने अभी स्पोर्ट किया तब से फॉलो नहीं कर उन लोगों को पता भी नहीं होगा दैट स्नैक्स से एम एक्स स्नैक्स थे तो जो फॉलो करते उन लोग को पता होगा बट उस टाइम पे उस इवेंट में स्नैक्स वॉज प्लेइंग बट कोई नहीं पूछ रहा that, था स्नैक्स को थाईलैंड में होता है मलेशिया में होता आई डोंट रिमेंबर या इंडोनेशिया में होता है इन तीन में से किसी कंट्री में हुआ था जो पी एमसी फाइनल हुआ था तो एंटीटी और सोल गई थी एंड बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड जाने वाले थे इतना क्रेजी माहौल था ना मैं भूल नहीं सकता कभी भी एंड दिस वॉज माई एक्सपीरियंस जो मेरे को आपको शेयर करना था दो साल के बाद यार और दो साल से भी ऊपर हो होकर के, के बाद शेयर करा एंड uh, मैं तो ब्लॉग भी बनाया था लेकिन वो कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ मैंने डाला ही नहीं इतनी एक्साइटमेंट थी जितना वो था एंड मैं तब उस टाइम भी यूट्यूब के लिए सीरियस भी नहीं था मैं बस ऐसे ही बनाता था वीडियो कुछ भी तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था मेरा एंड आप लोग को भी एक बार ना एक बार एक्सपीरियंस एक करना चाहिए लाइन इवेंट अभी तो हो नहीं रहे कोविड की वजह से लेकिन अभी पी एम सी सी स्टार्ट होने वाला है इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई ताकि आप लोग को पता लगेगा दैट लाइन इवेंट होता कैसे और कैसा एक्सपीरियंस रहता है एज अ व्यूअर एज अ फैन ऑफ ई स्पोर्ट्स तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई आई होप आप लोग को मजा आया हो एक कर देना ज़रूर अगर ऐसी स्टोरी जाननी है तो एंड स्पोर्ट्स e के बारे में जानना है तो एंड मैं सोच रहा हूं गेमिंग चैनल दूसरा सेपरेट कर लूँ, एंड इस चैनल को कंटेंट बेस्ड रखते हैं और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते हैं एंड लाइक कर देना सब्सक्राइब टू चैनल मैं आपसे नेक्स्ट में तब तक गुड डे